और ऊपर पे जो आप देख रहे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेट अस एक्सप्लेन द नंबर आंकड़ा दिखा रहे हैं कि एक बीजेपी के खाते में अभी जा चुका है। वो कहां से जा चुका है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये सूरत की सीट है। ये सूरत में जहां पे रिजल्ट घोषित हो चुका है, अभिषेक इसके बारे में 20 सेकंड में बता। सूरत में अनकंटेस्टेड नंबर वन क्यों दिख रहा है वहां? सूरत में इसलिए नंबर वन दिख रहा है, एक आंकड़ा दिख रहा है अर्नब बीजेपी का, क्योंकि सूरत में अनकंटेस्टेड चुनाव हुआ था। उसमें जो वहां के इलेक्शन ऑफिसर हैं वो पर्चा दे चुके हैं, जो कैंडिडेट हैं सूरत के भारतीय जनता पार्टी के। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनका पर्चा खारिज हो गया था, और बाकी 6 और 7 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने विड्रॉ कर लिया। मैं अपने टीम को बता रहा हूं कि इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ फास्ट इलेक्शन रिजल्ट्स मोड में रहेंगे। टोटल फोकस, टोटल कॉन्सेंट्रेशन। सोहेल, अभिषेक, ऐश्वर्या, सुचरिता, कोई फोकस इधर उधर नहीं। काउंटिंग पोस्टल बैलेट्स की शुरू हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज हमारे टिकर पर इस वक्त है, और ईवीएम की काउंटिंग अगले 30 मिनट पे होगी। यानी कि वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन इज पोस्टल बैलेट। ऐश्वर्या, फोकस रहे हमारे स्क्रीन पर। इलेक्शन पोर्टल के रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। द रिजल्ट्स आर ऑन आवर स्क्रीन, वी आर वेटिंग राइट नाउ। हम रुक रहे हैं, किसी भी क्षण लीड्स आने शुरू होंगे। हमारे लोग ग्राउंड पर है, 5 मिनट के अंदर, मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर आंकड़े मूव करना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल, और हमें पता चलेगा विच वे द ट्रेंड इज मूविंग। पोस्टल बैलेट से एक गेस्टिमेट होता है, फाइनल नहीं होता दोस्तों, फाइनल नहीं होता, मगर उसको वॉच और ऑब्जर्व करना होता है, उसे ट्रेंड्स पता चलते हैं और किस स्टेट से आ रहे हैं उसको नोटिस करना पड़ता है, और ये भी कंपेयर करना पड़ता है जहां पे लीड है पिछली बार किसकी लीड थी, तो कंपैरिजन करने होते हैं। दोस्तों आप अगर मेरे सामने देखें, मेरे पास कई सारे कागज इधर मेरे पास है, एक 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 स्टेट की मैंने एनालिसिस की हुई है। वोट शेयर एनालिसिस है मेरे सामने, सीट शेयर है, वोट शेयर है, पिछली बार के नंबर है, पोलिंग के ट्रेंड्स है हमारे पास, और हम प्रोजेक्टेड सीट शेयर के बारे में भी हम एनालाइज कर रहे हैं। सो सुचरिता, ऐश्वर्या, अभिषेक एंड सोहेल, मैं फोकस करना चाहता हूं, आप जरा कमेंट्री करते रहिए। एक छोटा सा प्लग इन, काउंटिंग शुरू हो गई है, पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे, हम देख रहे हैं कैसे स्ट्रॉन्ग रूम खोले जा रहे हैं, वीडियोग्राफी हो रही है, कैंडिडेट साथ में है, पर एक प्लग इन छोटा सा ऐश्वर्या, हमारा फोकस सारा होगा लोकसभा के चुनाव पे। नंबर NDA 2 ND 1 नंबर्स हैव स्टार्टेड कमिंग। ओह, नंबर्स शुरू हो गए, कोई हमें अपडेट दें प्लीज। ऐश्वर्या, अभिषेक, बिल्कुल, नंबर्स आपके स्क्रीन पे आप देखिए, नंबर्स आपके स्क्रीन पे, NDA 2 पे आ गया है, NDA 2 पे है, ND 1 पे है, अदर्स 0, NDA 2, ND 1, और इसका हम आपको ब्रेकअप दे रहे हैं, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वो सब बता रहे हैं। सुचरिता, तो दो नंबर आप एनडीए के लिए देख रहे हैं, दो आंकड़े पहले ही बताया आपको अभिषेक ने कि एक सूरत की सीट है जो पहले ही निर्विवाद जा चुकी है बीजेपी के खाते में, और अब वो टैली धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई। एनडीए 2, इंडी 1, अदर 0, अन्य 0, और ये लगातार जल्दी जल्दी बढ़ रही है। सुचरिता बता रहे दर्शकों, कर्नाटक से आ रही है। हाँ। कर्नाटक में कांग्रेस कैंडिडेट जो है, जो कांग्रेस का एक लीड है, वो डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन है, जो 28 वोट से लीड कर रही है। कांग्रेस 742 और बीजेपी 714। बिल्कुल, दावणगेरे कर्नाटका कांग्रेस की कैंडिडेट डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन खड़गे, बहुत 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 इनिशियल, 8:03 हुए हैं, लेकिन हर क्षण हर पल की खबर, चाहे वो 1 वोट हो या 20 वोट, हम आपको बताएंगे। पोस्टल बैलेट्स हमारे साथ है, वी हैव द पोस्टल बैलेट्स विद अस। देवांगिरी से बीजेपी कैंडिडेट इज लीडिंग, दक्षिण कर्नाटका से पोस्टल बैलेट्स में बीजेपी इज लीडिंग, बेंगलोर रूरल से डीके सुरेश ट्रेल कर रहे हैं, बीजेपी के डॉक्टर मंजुनाथ लीड कर रहे हैं, और कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी मांड्या से लीड कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर्स मूविंग फास्ट ऑन योर स्क्रीन। 2-1, 3 लीड्स आर विद अस। जी ऐश्वर्या, अभिषेक, बेंगलुरु से भी आने लगी है लीड, बीजेपी के ब्रजेश चौथा है, वो वहां से करीब 188 वोट से लीड कर रहे हैं। अर्नब, हमें बताना होगा कि ये जो मार्जिन और संख्या आप देख रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट की है नंबर वन, और हमारे रिपोर्टर्स, स्ट्रिंगर, इंटरेस्टिंग एजेंसी एसोसिएट्स ग्राउंड पे हैं। इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें मिल रही है, कर्नाटका से लीड सामने आ रहे हैं, और कर्नाटका को लेकर बीजेपी एनडीए अलायंस बहुत आगे है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो रहा है कर्नाटका से, जहां पे 6 लीड्स में से नेशनली 5 आर विद एनडीए, 1 इंडिया अलायंस के साथ है, तो एनडीए इनिशियल ट्रेंड्स में बहुत आगे जल्दी बढ़ रही है। ऐश्वर्या, फोकस देख रहे हैं, फोकस हो रहा है, और आप देख रहे हैं।